बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो गाइज, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से, और जैसे कि आज है राखी, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी राखी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। कल रात से ही काफ़ी तेज़ बारिश लगी है और अभी तक भी बारिश नहीं रुकी है, पता नहीं कब तक रुकने वाली है। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश दिख नहीं रही, बट ये देख सकते हो हल्के हल्के लगी है, ऊपर से पानी देखो ये ऐसे आ रहा है। तो गाइज, ये मेरे हाथ में लगा रखी है मेहंदी, और ये लगा रखी है मम्मी के हाथ में, कमेंट करके बताना कैसी लगी है। तो गाइज, इसी के साथ कर लेते हैं झाड़ू पूछा, देन मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज, झाड़ू पूछा करने के बाद सब लोगों ने नहा भी लिया है और दिया बाती भी कर ली है। बाकी मैंने सोचा था आज राखी मैं पहनूंगी ये, बट लाइट नहीं आई थी, बट लाइट आ गई है तो जल्दी से प्रेस करके पहन लेते हैं इसको, देन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, लाइट आई, और जैसे कि मैंने बताया था लाइट आई है करके, और आते ही चलेगी, पर थोड़ी सी प्रेस करूँगी, हल्का फुल्का हो ही रहा है इसमें प्रेस। और ये आपने देखा होगा, ये मैंने पहना था सारनाथ में, पर उसके बाद ये मेरे कभी काम ही नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना रक्षाबंधन में इसको पहना जाए, तो तभी इसको आज पहना जा रहा है। बाकी ऐसे ही हल्का फुल्का प्रेस कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, टाइम हो चुका है 10:50, और बड़े मुश्किल से अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, बट हल्की हल्की आ रही है, हल्की मतलब बहुत हल्की। तो गाइस, मैं तो हो चुकी हूँ तैयार, और अभी टाइम हुआ है 11। बाकी कपू ने भी भेजी है भैया के लिए राखी, इसमें तो आपको मैं दिखाती हूँ खोल के इसको। बाकी अभी तक राखी नहीं बांधी है क्योंकि आज भदराया कर रहे हैं, तो राखी 1:04 के बाद ही बांधनी है, तो 1 बजे के बाद ही राखी बांधेंगे सभी लोग, और मैं भी भैया को थोड़ी 1 बजे के बाद ही बांधूंगी। बाकी बुआ लोग भी आने वाले थे, मतलब बड़ी बुआ तो आएगी शायद, पर छोटी वाली बुआ ने मैसेज आ रखा था, वो कहते हैं कि उस साइड रोड ब्लॉक हो गई है क्योंकि कल से बहुत बारिश आ रही है, तो उस वजह से। बाकी देखते हैं अभी कौन कौन आता है। और मम्मी अभी बना रही है खीर, तो मम्मी को भी दिखाती हूँ। तो पप्पू ने पूरा इसको ऐसे भेज रखा है लेडी के डॉक्यूमेंट्स के जैसे। बाहर भी लिखा है दीक्षु दी हैप्पी राखी, और कब्बू अपनी शक्ल भी बनाई है, दिखाऊं? ये देख सकते हो, ये है कब्बू, खुद की शक्ल बना रखी है यहाँ पे। wow! एक दो तीन चार पांच राखी भेजी है, और ये है चॉकलेट, चॉकलेट भेजा है। 5 राखी में हम लोग भी 5 ही लोग हैं, तो हम 5 चॉकलेट भेज रखी है, भैया पापा मम्मी और अम्मा और मेरे लिए। तो अभी थोड़ी देर में बांधेंगे इसको भी। राखी तो प्यारी प्यारी भेजी है यार, यहाँ तो जो राखी कल मैं लेके आई थी ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब पुरानी वाली राखी है, जो पिछले साल का स्टॉक था वही वाला, ऐसा ही लगा मुझे तो, वैसे ये करके। तो मिलते हैं इसी के साथ थोड़ी देर में। माँ की हमारे कान्हा जी हैं ये, तो आज इनको भी बांधी जाएगी राखी। वो यहाँ पे बन रही है टेस्टी टेस्टी खीर, और बना रही है मम्मी, बट हम अभी खीर नहीं खा सकते 1 बजे तक, क्योंकि अभी राखी नहीं बांधी है। बाकी खीर की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, बताने सकती कसम से यार, पेट के चूहे दौड़ने लग गए मेरे तो। तो गाइस, यहाँ पे बड़ी वाली बुआ तो पहुंच गई है, और बारिश भी रुक गई है, और टाइम भी हो गया है 12:16, नहीं तो अभी तो 1 बजे बाद ना, तो 1 बजे का वेट करते हैं, देन उसके बाद तो बांधते हैं। तो गाइस, ये सिंपल तागे वाली राखी रखते हैं पहले मंदिर में, बाकी अब मैं बांधती हूँ यहाँ पे कान्हा जी को राखी, उसके बाद भैया को बांधती हूँ राखी, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 1:14, और हाँ टीका भी लगाती हूँ कान्हा जी को। गणेशा है
मुझे खुश रखना ये मम्मी ने मांग लिया मेरे हिस्से का। तो यहाँ पे मैंने बात दी है कान्हा जी को राखी, बाकी लाइट नहीं आई है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा, बस ये बात थी कि उससे उजाला हो रहा। तो अब चलते हैं भैया को बात के आते हैं राखी। तो गाइज यहाँ पे एक और अम्मा आ गई हमारी, ये हमारी क्या कहते हैं मेरी बुबू की बहन डरी, ये आज पहली बार ही आ रखे हैं ब्लॉग में। अम्मा आई बोलो। हेलो हेलो गाइस। हाँ किसी को नहीं बता कि आई है अम्मा। तुझसा ना कोई अपना संग मेरे यूं ही रहना तू। ओ बहना मेरी बहना संग मेरे ज्यादा हंसना कभी थोड़ा रूठ लेना तू। तूने ही तराशा तूने ही है सराहा फर्श से उठा कर मुझको सीने से लगाया तो यहाँ पे भी बुआ बांध रही है भैया को राखी। और हम आज आप कितने साल बाद आए हो हमारे घर राखी बांधने? पूरे 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं हम आ यहाँ। हाँ जब बुबू थे तभी आते थे हम, नहीं तो उसके बाद नहीं आए ना वहाँ। आज राखी की माँ आ रहे हैं 10 साल बाद। बाकी अब ये बांधते हैं राखी। चार दिशाओं जैसे तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा हर एक शाम अधूरी। कभी मुझसे है बड़ी माँ जैसी तू, कभी दोस्त मेरी वो किससे मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा सब रिश्ते है दिखावे के। बुआ बांध रही है मम्मी को राखी। ये मम्मी क्या गिफ्ट दे गया बुआ को। है मम्मी बुआ बड़ा बड़ा दे बोल, बड़ा भैया बड़ा चाहिए बोल। मम्मी बड़ा गांधी मेरे को भी दे गया, मैं भी करती हूँ अभी, मैं भी बांधती हूँ राखी। अब यहाँ पे भैया को बांध रही है मैं राखी। राखी और लिया उसके तरफ से गिफ्ट चॉकलेट।
ओ बहना मेरी बहना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ लेना तू। तूने ही तराशा, तूने ही है सराहा। तो गाइस भैया के हाथ में इतनी राखियां होंगी, ये दिखा दो भैया हाथ, इतनी एक टाइम पे कितनी भरी रहती थी, इतनी इतनी जब अमा लोग सबके सब आए रहते थे। झोंक गया नु अमा, मेरा हाथ चाहते, मेरा हाथ में के कौन मद रहे हो। तो गाइज ये है भैया की तरफ से गिफ्ट, मैंने बस ऊपर ये ऊपर वाला ही गिफ्ट दिखा था, नीचे वाला नहीं पता पर है क्या, देखते हैं खोलते हैं इसको। किसमें वो वाला गिफ्ट तो सुनिया कमल को दिया है। अरे वो तो चॉकलेट है, वो भी ऊपर रख दे ना, खोल लेंगे, वो तो उसके लिए है, ये मेरे लिए है। अच्छा कुछ भी है गिफ्ट है। तो गाइज खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। भैया खाली तो नहीं दिए ना, डब्बे के अंदर डब्बा वाला जाएगा खाली। बुआ बांध रही है मेरे को राखी, और एक मैं भैया से भी बदवाऊंगी क्योंकि कब्बू ने भैया से कहा है कि दीक्षा दीदी को राखी बांधना ना, तो यहाँ पे भैया बांधेगा मेरे हाथ में राखी। तो यहाँ पे बांध रही है कब्बू वाली राखी, तो इसको बांधे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो बांध दिया अम्मा को, और अभी अम्मा बांध रही है अम्मा को। क्या हुए नंद और भौजी, हाँ भाभी और वो ननद भाभी है, पहाड़ी में बस दिया था ना, क्या नंद भौजी, नंद भौजी, नंद भौजी, नंद भौजी, राखी। मोनिका बिस्टर आ गई है, मोनिका सर मारी है और इसने बांध दी है भैया को राखी। भैया दिखा दे मोन की कौन सी राखी है। ये है मोनिका की राखी, मैं अपनी राखी दिखाती हूँ, ये मेरी तरफ से, ये मैंने बांधी, ये बुआ बुआ, ये कब्बू की है और ये मोनिका बिस्ट की है। ये तो गाइस वैसे मुझे आइडिया तो नहीं है कि इसमें क्या होगा, ये तो मैंने पहले देख लिया था पर ये नहीं देखा था। तो जल्दी से खोलते हैं इसको क्या है करके, बाकी भैया कह रहे हैं मैं अपना गिफ्ट देखता हूँ, इसका रिएक्शन देखते हैं, देख क्या है। जी कैसा लगा ये मीठा, कम खाएगा वैसे तो ये मेरा ही है, तो मैं अपना प्रॉफिट देखते हुए लेके आई हूँ चॉकलेट। क्या होगा बुआ कपड़े सच में जूते हैं, कमेंट करके बताना कैसे लगे आपको। खैर मुझे तो बहुत अच्छे लगे, पहन के दिखाऊंगी आपको, पहन के भी दिखाती हूँ। ये पता नहीं अलग क्यों है, नहीं तो दोनों सेम है, अलग अलग मैंने ना ज्यादा अलग। तो क्या कर रहा लीनी के बड़ा, ये देख सकते हो कौन से दया ना पहन रहा है, खतरनाक लगा रखा है ये, भैया ही कर सकते हैं खतरनाक का। भैया कितने टेप मार रखी है, कोल्ड कैची से काट जाना, कहाँ जा रही है? मैंने कहा हम जाने लिया, मैंने एक टाइम की जान थी, पर मैंने उसको बोलता हूँ, वो
सब फ्लेवर की है फिर वो सब फ्लेवर की है सारे फ्लेवर की चॉकलेट मैंने भी तेरे को चॉकलेट मेरे को लगा कि चॉकलेट नहीं होगी करके वो वहां से फायदा होगा कि यहाँ तो चॉकलेट और मिल गई पर मैं भैया को नहीं दूंगी ठीक है खा दूंगी 4 5 5 चॉकलेट है तो इसको वैसे भी आज ही खत्म हो जाएगी तो गाइस इसी के साथ मैं भी खा लेती हूँ खीर और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉक में तब तक के लिए बाय बाय तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाय बाय